हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं माय टेक मतलब यूट्यूब चैनल। आज हम एचटीएमएल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए चलते हैं नए कमांड पे, नए टैग पे, जिसका नाम है ब्रेक टैग। ब्रेक टैग से आपको मतलब ही पता होगा कि तोड़ना, यानी कि किसी भी लाइन को अगर हमें चाहते हैं कि किसी भी लाइन या पैराग्राफ को अगर हम उनको अलग अलग पार्ट्स में दिखाना चाहते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ब्रेक टैग। ब्रेक टैग किसी भी लाइन को या किसी भी पैराग्राफ को अगर हम चाहते हैं कि एक पार्ट से वो मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड हो जाए, मल्टीपल लाइंस में नजर आए, तो जहाँ भी हमें उसको यूज़ करना होता है, जहाँ से भी हमें उसको ब्रेक करना होता है, वहाँ पर हम ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं। हम इस ब्रेक टैग को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करने का तरीका होता है ब्रैकेट के अंदर सिंपल br लिख देते हैं और वहाँ से वो ब्रेक टैग हमारा क्रिएट हो जाता है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपका एक ओपन और क्लोजिंग सेम टैग होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से HTML में यूज़ करते हैं। हम अपने आते हैं नोटपैड के ऊपर और ब्राउज़र के ऊपर। जैसा कि हम यहाँ पर मैंशन करते हैं कि लाइक हमने कोई टैग लिया H1 टैग और इसके अंदर हम लिखते हैं वेलकम। ऐसा नहीं है कि ये आपके H1 के साथ ही लगता है, ये आपके सारे टैग के साथ में जितने भी HTML के टैग होते हैं, फिर चाहे वो पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, स्पैन हो, डिव हो, कोई भी टैग हो, हम जहाँ भी इसको यूज़ करना चाहें वहाँ इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो हमने H1 टैग लिया, हमने इसको थोड़ा सेव किया, यहाँ हमने इसको रिफ्रेश किया, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब हम चाहते हैं कि जो MyTag सॉफ्टवेयर वो हमारा सेकेंड लाइन में है, तो सिंपल हमें क्या करना है कि इसमें हम 2 के बाद में ब्रेक कमांड, ब्रेक टैग को हम यूज़ करते हैं। इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं, समटाइम हम इसको एज इट इज भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा है इसमें सिंपल br, और समटाइम इसको अगर हम बैक स्लैश के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका कोई ओपन एंड क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये बाय डिफॉल्ट आपका इसी को ओपन और इसी को आप क्लोजिंग कह सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सेव करके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए MyTag जो हमारा वो सेकेंड लाइन में आ गया। अगर हम चाहते हैं एक लाइन के अंदर या एक पैराग्राफ के अंदर हम इसको कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि माया के बाद में भी टेक्नोसॉफ्ट जो हमारा सेकंड लाइन में है, तो हम इसमें माया के बाद में एक और ब्रेक कमांड लगा देंगे और इसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे हमारा टेक्नोसॉफ्ट जो हमारा सेकंड लाइन में चला गया, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करने के लिए हम इसको पैराग्राफ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ में हमारा क्या होता है, लाइक हमने पैराग्राफ बनाया, इसको क्लोज किया, यहाँ लिखा दिस इज सैंपल टैग टू शो द डेमो ऑफ ब्रेक टैग, ओके। तो ये हमारा पैराग्राफ था, हमने इसको लिखा सिंपल, सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया, ये हमारा आ गया। अब हम चाहते हैं कि जो ब्रेक टैग है यहाँ पर हमें एक ब्रेक टैग दे दें जिससे कि ब्रेक टैग अलग हो जाए इस लाइन से, तो हम यहाँ पे सिंपल br लिख के ब्रेक टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको सेव करेंगे, ये रिफ्रेश करेंगे तो हमारे ब्रेक टैग नीचे आ गया। तो ये आपका था ब्रेक टैग, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप इसको एक लाइन में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, आप एक लाइन को जितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो उतनी बार इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ओपन एंड क्लोजिंग टैग नहीं होता है, नॉर्मल टैग होता है जिसमें आप कई बार विदाउट स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं, विद स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्रेक टैग का यूजिंग। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।